हेलो कमांडोस वेलकम टू बायोमेंटस क्लासेस ऑनलाइन और हम लोग सॉलिड स्टेट में बात कर रहे हैं डिफेक्ट्स ऑफ द क्रिस्टल्स तो क्रिस्टल में किसी भी आयोनिक क्रिस्टल में या किसी भी क्रिस्टल में कैसे डिफेक्ट होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट से स्टार्ट किया तो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट क्या होते हैं जिसमें रेशो ऑफ कैटाइन एंड एनायंस सेम होते हैं उसको हम कहते हैं डिफेक्ट नॉन डिफेक्ट क्या कहते हैं जिसमें किसको कहते हैं जिसमें रेशो ऑफ कैटाइंस और एनायंस सेम नहीं होते हैं एक कैटाइन या एक एनायन अकेला इंडिविजुअली मिसिंग होता है तो उसको हम कहेंगे नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट मतलब जो स्टोक्योमेट्रिक को मेंटेन करेगा वो स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट और जो मेंटेन नहीं करेगा वो नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट यहां तक हम लोगों ने बात कर लिया था इसके बाद स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट के दो एग्जाम्पल हैं शॉर्ट की डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट तो शॉर्ट की डिफेक्ट में मैंने आपको बताया था शॉर्ट की डिफेक्ट क्या होता है इन विच इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एन आयंस आर मिसिंग फ्रॉम द लाटस्ट पॉइंट जिसमें समान संख्या में धनायन और ऋणायन जालक बिंदु पर अनुपस्थित होते हैं इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एन आयस आर मिसिंग फ्रॉम द लाटेट पॉइंट एंड गिव राइज होल जब जाब लाटस्ट पॉइंट से आयंस चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पर जगह खाली हो जाएगी इसको हम कहेंगे शॉर्ट की डिफेक्ट इस डिफेक्ट के कारण जो सिचुएशन क्रिएट होगी उसमें क्योंकि कैटाइन और एनायन इक्वल नंबर में मिसिंग है एनायन और कैटाइन इक्वल नंबर में मिसिंग है तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी लेकिन जो क्रिस्टल की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी तो शॉर्ट की डिफेक्ट में डेंसिटी कम हो जाती है ये ध्यान रखना है शॉर्ट की डिफेक्ट किन किस टाइप के क्रिस्टल में मिलता है तो जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है जो हाईली आयोनिक कैरेक्टर का होता है जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होता है और जिसमें साइज ऑफ कैटाइन और एनाइन ऑलमोस्ट सेम होते हैं उस टाइप के क्रिस्टल में शॉर्ट की डिफेक्ट को के मिलने की प्रॉबिलिटी होती है ठीक है इसके बाद बात किया हम लोगों ने फ्रेंकल डिफेक्ट के बारे में तो वॉट इज द फ्रेंकल डिफेक्ट वेन

और ना क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी पर कोई फर्क पड़ा ठीक है दोनों मेंटेन रहेगी फ्रेंकल डिफेक्ट के अंदर और फ्रेंकल डिफेक्ट की एक खास बात और है कि ये उन क्रिस्टल्स में मिलेगा जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर लोअर रहेगा जो लो आयोनिक कैरेक्टर वाले हैं और जिनके कैटायन और एनायन का साइज डिफर करेगा वहां पे मिलेगा आपको फ्रेंकल डिफेक्ट ठीक है एजीबीआर सिल्वर ब्रोमाइड एक ऐसा क्रिस्टल है जिसके अंदर फ्रेंकल और शॉर्ट की दोनों डिफेक्ट होते हैं बोथ द डिफेक्ट्स आर प्रेजेंट इन ए उसका कारण क्या था क्योंकि ये हाईली आयोनिक कैरेक्टर का होता है इसलिए इसमें शॉर्ट की डिफेक्ट होता है और कैटाइन और एनआइन का साइज डिफर करता है इसलिए इसमें फ्रेंकल डिफेक्ट की भी पॉसिबिलिटी होती है तो ए एक ऐसा क्रिस्टल है जिसमें दोनों डिफेक्ट मिलते हैं अब उसके बाद अगले पे हमने बात किया नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्टोमेट्रिक डिफेक्ट का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने पढ़ लिया था दैट इज एफ सेंटर डिफेक्ट एफ का मीनिंग फॉर्मेन्जेंटर से है जो कि कलर के बारे में बताता है तो क्रिस्टल में कलर का ओरिजिन कैसे होता है कि क्या कोई क्रिस्टल कलर दिखाई दे रहा है तो उसमें क्या चीज ऑब्जर्वेशन में मिलेगी उसको डिस्क्राइब करते हैं मैप सेंटर डिफेक्ट है तो यहां पे मैंने आपको बताया कि जब एक एन आई एन वेन वन नेगेटिव चार्ज आयन आर एन आई एन इज मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट पॉइंट जब एक नेगेटिव चार्ज आयन लैटेस्ट पॉइंट पर नहीं रहता है मिसिंग फ्रॉम द लेटेस्ट पॉइंट तब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे लेटेस्ट पॉइंट पे क्या बन जाएगा होल बन जाएगा एंड ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर एट द लेटेस्ट पॉइंट आर एट द होल टू में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और अगर इलेक्ट्रॉन है तो ट्रांजिशन होगा एनर्जी का जिसके कारण क्रिस्टल में कलर का होगा ठीक है जैसे लिथियम क्लोराइड का पिंक कलर पोटासियम क्लोराइड का वॉयलेट कलर और सोडियम क्लोराइड का येलोइश कलर का होना एफ सेंटर डिफेक्ट के कारण होता है इट इज ड्यू टू एफ सेंटर डिफेक्ट अब अगले डिफेक्ट पर बात करते हैं एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल साइट अगर किसी क्रिस्टल के अंदर एक्स्ट्रा कैटाइन आ जाएगा तब क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं तो अगला जो डिफेक्ट हम लोग देखने वाले हैं वो है एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीसियल साइट एक्स्ट्रा कैटाइन इन इंटरस्टीशियल साइट एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल साइट ठीक है तो देखो इस टाइप के डिफेक्ट में क्या होगा अगर कहीं से एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टीशियल साइट में आया हुआ है तब क्या सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे तो देखो एक्स्ट्रा कैटायन इन इंटरस्टीशियल साइट इंटरस्टिशियल साइट में एक्स्ट्रा कैटायन जब फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या था एक नेगेटिव चार्ज आयन मिस था एक नेगेटिव चार्ज आयन मिस था फ्रेंकल डिफेक्ट में और इस डिफेक्ट में क्या हो रहा है एक एक्स्ट्रा कैटायन आ गया है लेटस इंटरस्टीशियल साइट पर जैसे ये क्रिस्टल है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा कैटायन प्रेजेंट है तो अगर कैटायन होगा तो दूसरे साइट पर इसमें इलेक्ट्रॉन भी होगा अगर में बदला है तो इलेक्ट्रॉन भी होगा एक एक इलेक्ट्रॉन भी प्रेजेंट होगा के अंदर तो यहां से जो डिफेक्ट आएगा इसको हम क्या कहेंगे एक्स्ट्रा कैटायोनिक डिफेक्ट कहेंगे जिसमें क्रिस्टल के अंदर एक्स्ट्रा कैटायन का प्रेजेंस होता है ठीक है अब देखो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। फिर इसके बारे में हम लोग लिखते हैं कि ये क्या चीज है पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं तो देखो अगर जिंक ऑक्साइड को हम हीट करें अगर जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है आपने जिंक ऑक्साइड को हीट किया तो वो चेंज हो जाएगा जैड एन प्लस टू में जिंक टू प्लस आयन बनाएगा ऑक्सीजन बनाएगा और साथ में दो इलेक्ट्रॉन भी बाहर निकालेगा मतलब जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को अगर हम हीट करते हैं तो ऑक्सीजन लॉस करेगा और येलोइश कलर का अपेरेंस में आएगा ये ठीक है ना येलोइश कलर का अपेयर में दिखाई देगा तो जिंक प्लस टू आयन अभी कैसे हो गए हैं एक्सेस में हो गए हैं ठीक है जिंक प्लस टू आय आर एक्सेस इन द क्रिस्टल जिंक टू प्लस आयन जिंक टू प्लस आयन्स आर एक्सेस एक्सेस इन क्रिस्टल तो जिंक प्लस टू आयन क्रिस्टल के अंदर एक्सेस में आ गए हैं कभी कभी इसको शो करने का एक फॉर्मूला भी लिखते हैं तो ध्यान रखेंगे उसको ऐसे डिनोट करेंगे जिंक वन प्लस एक्स वन प्लस एक्स और ये ऑक्सीजन ठीक है तो ऑक्सीजन क्योंकि लॉस कर दिया है जिंक टू प्लस आयन ने तो जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को अगर आप हीट करोगे तो वो येलोइश कलर शो करेगा क्योंकि जिंक प्लस टू आयन एक्सेस में आ गए हैं ठीक है अब इसको कैसे एक्सप्लेन करना है कैसे इसको लिखना है उसके बारे में बात कर लेते हैं तो एक्स्ट्रा कैटाइन क्या ध्यान रखना है एक्स्ट्रा कैटाइन एक्स्ट्रा कैटाइन एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्यूपाई इंटरस्टीशियल साइट एक्स्ट्रा कैटायन ऑक्यूपाई एक्स्ट्रा कैटाइन ऑक्यूपाई इंटरस्टीशियल साइट इंटरस्टीशियल साइट एक्स्ट्रा कैटायन कहां रहते हैं इंटरस्टीशियल साइट में रहते हैं विथ इलेक्ट्रॉन विथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन विथ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अनदर interstitial site with electron present in another interstitial site with electron present in another another interstitial site another interstitial site to maintain to maintain the electrical neutrality. टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जैसे जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो क्रिस्टल की मेंटेन रहे मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द क्रिस्टल तो ये डिफेक्ट जो है वो एक्स्ट्रा कैटायोनिक डिफेक्ट कहलाता है कॉमनली ये जो है फ्रेंकल डिफेक्ट के सिमिलर रहता है ये ध्यान रखना है तो एक्स्ट्रा कैटाइन आ गए और जिस साइड में एक्स्ट्रा कैटायन होंगे उसके अनदर साइट में इलेक्ट्रॉन होंगे जिससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे और इस डिफेक्ट को हम कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट मेटल एक्सेस डिफेक्ट भी इसको कहते हैं ये ध्यान रखेंगे ठीक है तो दिस इज एक्स्ट्रा कैटायोनिक बेकन डिफेक्ट एक्स्ट्रा कैटायोनिक डिफेक्ट अगर जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को हम हीट करते हैं तो ये डिफेक्ट आपको देखने को मिलेगा अब बात करते हैं डिफेक्ट्स काज बाय डिफेक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज इंप्योरिटीज को मिक्स करने के बाद या अगर इंप्योरिटीज प्रेजेंट है उसके अंदर और वो ओवरऑल डोमिनेट करती है तब क्या डिफेक्ट मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे तो इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूसिंग इंट्रोड्यूसिंग इंप्योरिटीज

इन आयोनिक सॉलिड अब देखो इसका एक एग्जाम्पल है उस पर बात करते हैं वैन सम अमाउंट ऑफ वेन सम अमाउंट ऑफ सम अमाउंट ऑफ स्टॉन्शियम क्लोराइड सम अमाउंट ऑफ स्टॉन्शियम क्लोराइड इज मिक्सड विथ इज मिक्सड विथ इज मिक्सड थ स्टांशियम क्लोर इज मिक्सड विथ सोडियम क्लोराइड अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में कुछ स्टांशियम क्लोराइड एज अ इंप्योरिटी हैथ सोडियम क्लोराइड ठीक है तो क्या क्या फर्क पड़ेगा इस पर अगर स्टांशियम क्लोराइड है तो स्टांशियम की बैलेंसी कितनी है दो है सोडियम की बैलेंसी कितनी है एक है स्टालशियम अपने साथ अकेले दो क्लोरीन को जोड़ सकता है जबकि सोडियम अपने साथ एक ही क्लोरीन को जोड़ पाएगा तो जिस जगह पर पॉइंट में परम रहेगा वो वहां से क्या करेगा एक स्टालशियम टू प्लस आयन ठीक है एक स्टालशियम टू प्लस आयन क्या करेगा दो सोडियम आयन को हटा देगा एक स्टालशियम टू प्लस आयन क्या करेगा दो सोडियम आयन को हटा देगा तो एक जगह पर तो वो आ जाएगा स्टांशियम और एक जगह क्या हो जाएगी खाली हो जाएगी एक जगह वैकेंट हो जाएगी एक साइड क्या हो जाएगी वैकेंट हो जाएगी ये एक इंपॉर्टेंट बात है इसको ध्यान रखना है ठीक है तो वेन सम अमाउंट ऑफ स्टांशियम क्लोराइड इज मिक्सड विथ सोडियम क्लोराइड देन देन स्टांशियम 2 प्लस आयन देन स्टांशियम 2 प्लस आयन

ठीक है तो वन स्टांशियम प्लस टू आयन सब्सिटू टू सोडियम आय एंड क्रिएट एंड क्रिएट एंड क्रिएट वन वैकेंट साइट वन वैकेंट साइट और एक खाली जगह बनाएगा एक जगह पर खुद आ जाएगा और एक जगह क्या होती जाएगी खाली होती जाएगी ठीक है और इसके कारण क्या होगा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा इसका ये काम फिर से एक बार समझ लीजिए अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर स्टालशियम क्लोराइड की इंप्योरिटी होगी या स्टानशियम क्लोराइड प्रेजेंट होगा तो स्टानशियम एक स्टांशियम आयन दो क्लोरीन से जुड़ेगा मतलब वो दो सोडियम आयन को एक टू प्लस कैटाइन को हटाएगा ठीक है दो सोडियम प्लस कैटाइन को हटाएगा एक जगह स्टांशियम टू प्लस आयन ऑक्यूपाई कर लेगा तो एक वैकेंट जगह खाली रहेगी इस क्रिस्टल के अंदर तो वन वैकेंसी इंट्रोड्यूस करेगा और साइट्स के कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बढ़ जाती है अब अगर मान लो आपसे कहते हैं कि सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल के अंदर आप गैलियम क्लोराइड मिलाओ, GaCl3। <coughs> तो देखो एक गैलियम की बैलेंसी कैसी है थ्री प्लस एक गैलियम की बैलेंसी कैसी है थ्री प्लस है ठीक है गैलियम कैसा है थ्री प्लस और सोडियम कैसा है प्लस वन तो एक गैलियम क्या करेगा सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा तो थ्री सोडियम प्लस आयंस आर रिप्लेस्ड थ्री सोडियम प्लस आयंस आर रिप्लेस्ड एक गैलियम प्लस क्या करेगा तीन सोडियम आयन को रिप्लेस करेगा अब तीन जगह खाली कर दिया उसने तो एक जगह पे गैलियम रहेगा और दो बैकेंड साइड बनेगी वन स्पेस और वन लैटस्ट पॉइंट वन लैटस्ट पॉइंट वन लैटस्ट पॉइंट Occupied by gallium, occupied, occupied one lattice point, occupied by gallium, one lattice point, one lattice point, occupied by gallium. ऑक्यूपाइड बाय गैलियम थ्री प्लस आयन तो देखो तीन जगह खाली किया था एक जगह गैलियम ने ले लिया तो क्या हो जाएगा टू वेकेंट साइट्स आर प्रेजेंट टू वेकेंट साइट्स आर प्रेजेंट तो दो वेकेंट साइट यहां पर प्रेजेंट रह जाएगी ये ध्यान रखना है ठीक तो तीन जगह खाली किया और एक जगह गैलियम ने आके कर दिया तो दो वैकेंट जगह खाली रह जाएगी अगर सोडियम क्लोराइड में गैलियम क्लोराइड एज अ इंप्योरिटी है तो ठीक है एक और बात करते हैं अगर सिल्वर क्लोराइड के अंदर सिल्वर क्लोराइड है मेरे पास सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल के अंदर हमने क्या किया सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल इन सिल्वर क्लोराइड क्रिस्टल कैडमियम क्लोराइड एज इंप्योरिटी कैडमियम क्लोराइड एज इम्प्योरिटी अगर सोडियम क्लोराइड के अंदर कैडमियम क्लोराइड की तरह है तो देखो सिल्वर <clears throat> कैसा है मोनोवेलेंट कैडमियम कैसा है डायबैलेंट तो एक कैडमियम आयन क्या करेगा दो सिल्वर आयन को रिप्लेस करेगा तो क्या ध्यान रखना है वन सी डी टू प्लस आयन रिप्लेस वन सी डी टू प्लस आय रिप्लेस टू सिल्वर प्लस आय दो सिल्वर प्लस आय को रिप्लेस कर देगा ठीक है दो वैकेंट साइट बनाएगा मतलब वन 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 साइट लाटेस्ट पॉइंट कह लो आप ऑक्यूपाइड बाय ऑक्यूपाइड बाय कैडमियम टू प्लस आय रहेगा तो एक ही जगह पे भले ही उसका चार्ज दो है तो वन कैड वन वन ऑक्यूपाइड बाय कैडमियम प्लस आयन एंड वैकेंट और एक साइड क्या होगी वैकेंट होगी इसके अंदर ठीक है ना तो एक वैकेंट साइट बना के देगा ये ध्यान रखना है और वैकेंट साइट्स के कारण क्या होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को बढ़ाने का काम करती है वैकेंट साइट्स ठीक है तो ये डिफेक्ट हुआ जब आयोनिक क्रिस्टल के अंदर आयोनिक क्रिस्टल के अंदर हमने क्या मिलाया आयोनिक क्रिस्टल के अंदर कोई दूसरा कैटायोनिक दूसरा दूसरा सब्सटेंस मिलाया जैसे सोडियम क्लोराइड में मेंशियम क्लोराइड या गैलियम क्लोराइड का प्रेजेंस इसके अलावा सिल्वर क्लोराइड के अंदर कैडमियम क्लोराइड का प्रेजेंस अब इस पर कुछ क्वेश्चन भी आते हैं तो एक दो क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं उसके बाद फिर अगले डिफेक्ट पे आते हैं मतलब जब को सॉलिड्स के अंदर हम इंप्योरिटीज मिलाएंगे तब कैसे उसको चेक करेंगे तो एक बार पहले बात कर लेते हैं एक दो क्वेश्चन पर इफ सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विथ क्वेश्चन है देखिए नंबर वन इफ सोडियम क्लोराइड इज डोप्ड विथ सोडियम क्लोराइड के अंदर क्या मिलाया हमने डोप्ड विथ टेन टू पावर माइनस टू मोल टेन टू पावर माइनस टू मोल टेन टू पावर माइनस टू मोल परसेंट ऑफ स्टॉन्शियम क्लोराइड तो सोडियम क्लोराइड के अंदर टेन टू पावर माइनस टू मोल परसेंट स्टॉन्शियम क्लोराइड मिलाया हमने व्ट इज द कंसंट्रेशन ऑफ कैटायोनिक वैकेंसी वॉट इज द कंसंट्रेशन वॉट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वॉट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायोनिक वेकेंसी वॉट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायोनिक वॉट इज देशन ऑफ कैटायोनिक वॉट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायोनिक वेकन्सीज तो कैटायोनिक वेकेंसी का कंसंट्रेशन क्या रहेगा वॉट इज द कंसेंट्रेशन ऑफ कैटायोनिक वेकंसी ठीक है तो क्या क्या काम किया हमने एसआर टू सोडियम क्लोराइड के अंदर टेन टू पावर माइनस टू मोल परसेंट एस आर सी एल टू मिलाया तो पहली बात क्या ध्यान रखना है है ठीक है दो सोडियम आयन को वो रिप्लेस करेगा इट रिप्लेस द टू सोडियम प्लस आयन उसमें से एक जगह पर स्टांशियम प्लस आयन स्टानशियम टू प्लस आयन आ जाएगा और एक वैकेंट साइट निर्मित करेगा एक वैकेंट साइट फॉर्म करेगा ठीक है तो टेन टू पावर माइनस टू मोल परसेंट तो अगर इसको मैं नॉर्मल पे लूंगा तो कितना हो जाएगा टेन टू पावर माइनस टू मोल परसेंट तो टेन टू पावर माइनस टू बाय हंड्रेड तो कितना हो गया टेन टू पावर माइनस फोर टेन टू पावर माइनस फोर मोल ठीक है परसेंट को हमने नॉर्मल डाटा में चेंज कर लिया तो कितना हो जाएगा टेन टू दावर माइनस फोर मोल ऑफ एस आर सी एल टू इन एन ए सी एल एस आर सी एल टू को कहा मिलाया हमने एन ए सी एल में ठीक है कितना टेन टू दावर माइनस फोर मोल हो गया अब ये कंसेंट्रेशन हर स्टानशियम टू प्लस आय ईच इंटांशियम टू प्लस आय ईच स्टानशियम टू प्लस आय ईच स्टांशियम टू प्लस आय इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस वन कैटायोनिक वैकेंसी वन कैटायोनिक वैकेंसी हर स्टांशियम टू प्लस आयन एक कैटायोनिक वैकेंसी बनाएगा हर टू प्लस आयन एक कैटायोनिक वैकेंसी बनाएगा दो जगह खाली करेगा उसमें से एक जगह पर वो खुद रहेगा और एक कैटायोनिक वैकेंसी बनाएगा तो कुल कैटायोनिक वैकेंसी का नंबर कितना हो जाएगा वन इंटू टेन टू पावर माइनस फोर मोल में चेंज करना है तो सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू ट्वेंटी थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है तो अब कितना आंसर आ जाएगा देखो सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन टू दावर नाइनटीन इंटू टेन टू नाइनटीन आ जाएगा कैटायोनिक वैकेंसी का नंबर पर मोल तो देयर इज द दे नंबर ऑफ कैटायोनिक वैकेंसी पर मोल अब चूंकि ये सॉलिड स्टेट में है तो सॉलिड स्टेट में जनरली हम लोग नुम नहीं करना चाहते थोड़ी थोड़ी पढ़ के काम चलाना चाहते हैं लेकिन अगर कहीं पे कोई क्वेश्चन आ रहे हैं इस टाइप का क्वेश्चन आया भी है ठीक है तो इसलिए इनको हमको अच्छे से करके रखना है रहता कुछ नहीं बिल्कुल सिंपल सी बात है केवल ध्यान रखना है कि पे क्या हुआ था अब देखो एक और क्वेश्चन करते हैं इफ एन एल इज डोप्ड विथ इफ एन एल इज डोपिथ एनएसएल इज डोप्ड विथ एन ए सी एल इज डोप्ड विथ अगर एन ए सी एल की डोपिंग किया हमने गैलियम क्लोराइड से एन ए सी एल इज डोप्ड विथ टेन टू द पावर माइनस थ्री टेन टू दावर माइनस थ्री मूल परसेंट ऑफ गैलियम क्लोराइड तो क्या गैलियम क्लोराइड इज द जी ए सी एल थ्री गैलियम क्लोराइड तो जी ए सी एल थ्री इज द गैलियम क्लोराइड तो अब क्या ध्यान रखना है एक गैलियम थ्री प्लस आयन तीन सोडियम थ्री प्लस आयन को रिप्लेस करेगा उसमें से एक जगह पर वो खुद रहेगा और दो वैकेंसी बना के देगा दो वैकेंट साइट्स प्रोड्यूस करेगा ठीक है तो पहले तो टेन टू दावर माइनस थ्री मोल ऑफ गैलियम क्लोराइड है ना और क्वेश्चन है पावर माइनस थ्री मोल परसेंट ऑफ गैलियम क्लोराइड देशन ऑफ कैटायोनिक तो कंसंट्रेशन ऑफ कैटायोनिक वैकन्सी निकालना है तो पहले इस कितना था टेन टू दावर माइनस थ्री मोल परसेंट तो इसको नॉर्मल में कन्वर्ट कर लो तो टेन टू दी पावर माइनस थ्री बाय हंड्रेड तो ये पावर दो और आ गई तो कितना आ गया टेन टू पावर माइनस फोर मूल टेन टू पावर माइनस फोर मूल आ जाएगा अभी है ना ठीक ठीक तो 100 में कितना हो जाएगा परसेंटेज को नॉर्मल में ले आए तो 10 टू पावर माइनस फोर हो जाएगा अब क्या ध्यान रखना है ईच गैलियम थ्री प्लस आयन ईच गैलियम थ्री प्लस आयन इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस टू कैटायोनिक वैकानसी टू कैटायोनिक वेकांसी हर गैलियम आयन दो कैटायोनिक वेकांसी बनाएगा दो कैटायोनिक वेकांसी बनाएगा हर गैलियम आयन तो कितना हो जाएगा टू मल्टीप्लाइड बाय टेन टू पावर माइनस फाइव 10 टू दी पावर ट्वेंटी थ्री तो पावर कितनी हो गई यहां से 18 हो गई और इसको दो से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा ट्वेल्व पॉइंट जीरो फोर सिक्स इंटू टेन टू दावर एटीन टेन टू दावर एटीन जनरेट हो जाएगी ओवरऑल एक मूल क्रिस्टल के अंदर ठीक है तो ये केटायोनिक वैकेंसी से रिलेटेड दो प्रॉब्लम्स को हमने देखा कि कितने मोल पर क्या चेंज हो रहा है तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है और जिस टाइप के भी क्वेश्चन आए हुए रहते हैं उनको हमें ध्यान देना है अब बात करते हैं अगले डिफेक्ट के बारे में तो अगला जो डिफेक्ट जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है डिफेक्ट्स कास्ड बाय मिक्सिंग इम्प्योरिटी कोवेलेंट कंपाउंड तो कोवेलेंट कंपाउंड में इंप्योरिटी मिलाने के कारण कौन कौन से डिफेक्ट बनते हैं उसके बारे में बात करते हैं डिफेक्ट्स कास्ड बाय मिक्सिंग इंप्योरिटी इन कोवेलेंट सॉलिड तो डिफेक्ट्स कास्ड बाय डिफेक्ट्स कास्ड बाय मिक्सिंग मिक्सिंग इम्प्योरिटी और फॉरेन एटम्स इंप्योरिटीज ठीक है तो दो टाइप के डिफेक्ट कोवेलेंट सॉलिड में जनरेट होंगे इम्प्योरिटीज को मिलाने के कारण एक इम्प्योरिटी हम मिलाते हैं पेंटावालेंट पेंटावाइलेंट और पेंटावायलेंट वाला ग्रुप है फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ ये पेंटावालेंट नाइट्रोजन, फास्फोरस आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ तो ये पेंटावैलेंट का ग्रुप है पेंटावैलेंट का मतलब है इसके पास बैलेंस सेल में पांच इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है देर आर फाइव इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल दूसरी इंप्योरिटी जो हम मिलाते हैं वो होती है ट्राई तो ट्राइवैलेंट इंप्योरिटी जैसे बोरॉन अल्यूमिनियम गैलियम इंडियम ये सब मेंबर्स कैसे हैं ट्राइवैलेंट के मेंबर हैं जिनके पास बैलेंस सेल में तीन इलेक्ट्रॉन है हैव थ्री इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल अब देखो सिलिका और जर्मेनियम सिलिका और जर्मेनियम कॉमनली हम जर्मेनियम यूज करते हैं सिलिका और जर्मेनियम ये दोनों एलिमेंट कैसा काम करते हैं सेमीकंडक्टर के जैसा काम करते हैं काम करते हैं सेमीकंडक्टर के जैसा काम करते हैं हिंदी में कहेंगे अर्ध चालक के जैसा काम करते हैं जो इलेक्ट्रिक करता है लेकिन हीट कंडक्ट नहीं करता कंडक्ट इलेक्ट्रिकसिटी बट डू नॉट कंडक्ट हीट तो सिलिका और जर्मेनियम दोनों कैसा काम करते हैं सेमीकंडक्टर के जैसा काम करते हैं अब इसमें अगर हम मिलाएं या ट्राई बैलेंट इम्प्योरिटी मिलाएं तो इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और कैसे फर्क पड़ेगा उसकी बात करेंगे <coughs> तो ठीक है तो बात करते हैं पहले मिक्सिंग ऑफ पेंटा पेंटाबैलेंट इम्प्योरिटी और पेंटा पैंटाबैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करने के बाद जो सेमी कंडक्टर बनता है उसको हम कहते हैं एनटाइप सेमी कंडक्टर एनटाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप का सेमी कंडक्टर है ना तो जब हम मिलाएंगे तो क्या मिलेगा एन टाइप का सेमी कंडक्टर आपको मिल जाएगा ठीक है टाइप सेमी कंडक्टर कैसे बनेगा तो देखो सिलिका के पास बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है पहले ये चेक कर लेते हैं एटॉमिक नंबर कितना फोर्टीन तो क्या हो जाएगा टू एट फोर टू एट It means four are there in the of और जर्मेनियम भी इसी ग्रुप का में तो जर्मेनियम के पास भीलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल ऑफ जर्मेनियम तो अगर मैं जर्मेनियम की बात करता हूँ तो जर्मेनियम के पास बैलेंस सेल में कुल चार इलेक्ट्रॉन है ठीक अब आपने इसमें क्या मिलाया मिक्सड पेंटावेंट इम्प्योरिटी मिक्सड पेंटावैलेंट इंप्योरिटी पेंटावैलेंट इंप्योरिटी पांच बैलेंसी वाली इंप्योरिटी डाला मैंने इसमें तो अगला काम क्या हुआ जो जर्मेनियम के चार बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन हैं इसने नाइट्रोजन इसने जो भी आपने पेंटावैलेंट पेंटावायलेंट में लाया, मे बी फॉस्फोरस और सैनिक और आर एंटीमानी आर बिस्मत उसके साथ चार कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लिया आपने क्या मिलाया पेंटावेलेंट मिलाया है उसमें से चार कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में खर्च हो गए बट देर इज वन इलेक्ट्रॉन रिमेंस अनबैलेंस्ड एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जिसकी बॉन्डिंग नहीं हुई इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन फ्री है तो वन फ्री इलेक्ट्रॉन इज देयर और अगर इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण कंडक्टिविटी है तो इसको हम कहते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर तो इसको हम क्या कहते हैं नेगेटिव चार्ज के चलने के कारण अगर कंडक्टिविटी होगी तो इसे हम क्या कहेंगे एन टाइप का सेमीकंडक्टर कहेंगे तो क्या क्या बातें ध्यान रखनी है तो इसमें अब क्या क्या चीजें और ध्यान रखना है समझ तो लिया आपने अब इसको फिर से एक बार बात करते हैं इसके बारे में तो देखो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं तो एन टाइप में क्या हुआ क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है सिलिका एंड जर्मेनियम आर द मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ मेंबर ऑफ फोर्टींथ ग्रुप किस ग्रुप के मेंबर हैं यह फोर्टींथ ग्रुप के मेंबर हैं आर द मेंबर ऑफ फोर्टींथ ग्रुप हैव फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन हैव फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास कुल चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन है फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन ठीक है तो सिलिका और जर्मेनियम के अंदर कुल चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन है ठीक है वेन डोब्ड विथ वेन डोब्ड विथ वेन डोब्ड विथ पैंटावायलेंट इंप्योरिटी पैंटावाइलेंट इंप्योरिटी इक फॉस्फोरस आर्सैनिक एंटीमानी एंड बिस्मत ठीक है सारा ग्रुप आ जाएगा तो वेन डोब्ड विथ पेंटावेंट इम्प्योरिटी देन इंप्योरिटी इज फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड फोर कोवेलेंट बॉन्ड तो चार तो इंप्योरिटी के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो कोबेलेंट बॉन्ड बनाने में खर्च हो जाएंगे या हम ऐसा कहें देन फोर इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज टू फॉर्म फोर कोबेलेंट बॉन्ड ऐसा कहें तो ज्यादा बेटर रहेगा देन फोर इलेक्ट्रॉन्स आर यूज टू फॉर्म यूज टू फॉर्म फोर कोवेलेंट बॉन्ड फोर चार इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में खत्म हो गए फोर इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड टू फॉर्म टू मेक फोर कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है तो चार इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में खत्म हो गए फिफ्थ एंड एक्स्ट्रा फिफ्थ और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिफ्थ और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन फिफ्थ और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज़, फिफ्थ आर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज़। इट इंक्रीज द कंडक्टिविटी इट इंक्रीज द कंडक्टिविटी इंक्रीज द कंडक्टिविटी और ये क्या काम करता है कंडक्टिविटी को बढ़ाता है इंक्रीज द conductivity increase the conductivity and this type of semiconductor is called n type semiconductor the conductivity is due to negative charge electron the conductivity is due to is due to negative charge electron द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इट इज नोन एज एज एन टाइप सेमी कंडक्टर एन टाइप सेमी कंडक्टर और इसको हम कहते हैं एन टाइप का सेमी कंडक्टर एन प्रकार का अर्धचालक तो सिंपली एक बात ध्यान रखना है जर्मेनियम या सिलिका सेमी कंडक्टर के जैसा काम करते हैं और उनके पास बैलेंस सेल में कुल चार इलेक्ट्रॉन है जब मैंने उसमें पेंटाव इम्प्योरिटी मिलाया तो चार इलेक्ट्रॉन जो है के जर्मेनियम या सिलिका के साथ बॉन्ड बना लेंगे और हर बार एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा रहेगा एंड द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज इंक्रीजेड बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ दिस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एंड दिस टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर इज कॉल्ड एन टाइप सेमी कंडक्टर और इस टाइप के सेमी कंडक्टर को हम क्या कहेंगे एन टाइप का सेमी कंडक्टर कहेंगे नेक्स्ट पी टाइप अब बात करते हैं पी टाइप के सेमीकंडक्टर के बारे में तो बिल्कुल आसानी से इसको भी हम समझ सकते हैं फिर से बात तो वही होगी सिलिका एंड जर्मेनियम सिलिका एंड जर्मेनियम हैव फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन इनके पास चार बैलेंस इलेक्ट्रॉन है फोर बैलेंस इलेक्ट्रॉन डोप्ड विथ

निर्माण हो जाएगा थ्री कोवेलेंट बॉन्ड्स आर फॉर्म फोर्थ बैलेंस इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग और जो चौथा बैलेंस इलेक्ट्रॉन है अब उसको बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं दोगे तो वो क्या हो जाएगा अपनी जगह से जंप कर जाएगा ठीक है तो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग और चौथा इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से चला जाएगा फोर्थ इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग इट इज नोन एज जो जगह बची इट इज नोन एज होल ऑर इलेक्ट्रॉन वेकेंसी इट इज नोन एज फोर्थ इलेक्ट्रॉन आर मिसिंग एंड इट इज नोन एज नोन एज इट इज नोन एज होल और इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इलेक्ट्रॉन वैकेंसी इलेक्ट्रॉन वैकेंसी तो जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन था वो अपनी जगह से चला गया तो उसकी जगह पर क्या हो गया होल फॉर्म हो गया जिसको होल या इलेक्ट्रॉन वेकेंसी कहते हैं और इस वेकेंसी को फिल करने के लिए क्या होगा दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन आएगा इस जगह को फिल करने की कोशिश करेगा तो कोशिश करेगा तो उसकी जगह क्या हो जाएगी फिर से खाली हो जाएगी तो इलेक्ट्रॉन होल या इलेक्ट्रॉन वैकेंसी बन गई यहां तक क्लियर एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेवर एटम एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेबर एटम एंड इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेवर एटम एंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेवर एटम दूसरे एटम का एक इलेक्ट्रॉन आने वाला है एन इलेक्ट्रॉन ऑफ नेबर एटम एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम नेवर एटम कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल कम एटम कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल फिल द इलेक्ट्रॉन होल फिल द इलेक्ट्रॉन होल कम एंड फिल द इलेक्ट्रॉन होल एंड लीव एन इलेक्ट्रॉन होल एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन एंड लीव एन इलेक्ट्रॉन होल लिव एन इलेक्ट्रॉन होल इन इट्स ओरिजिनल एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन लिव इलेक्ट्रॉन होल एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन एट इट्स ओरिजिनल पोजिशन तो जहां से वह आएगा उसकी जगह पर भी क्या फॉर्म हो जाएगा होल फॉर्म हो जाएगा लीव

तो इस पॉजिटिव चार्ज होल के कारण क्या होगा यहाँ पे जो कंडक्टिविटी आएगी उसको हम क्या कहेंगे उसको हम कहेंगे उस टाइप के कंडक्टर को हम क्या कहेंगे पी टाइप का सेमी कंडक्टर कहेंगे तो इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं क्या हुआ इसमें तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम अब क्या ध्यान रखना है अपने ओरिजिनल पोजिशन पर उसने होल फॉर्म कर दिया जब चौथा इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम से आकर के उसकी बैलेंस जो चौथी बैलेंसी जो खाली थी उसको ऑक्यूपाई करने की कोशिश किया तो अपने ओरिजिनल पोजीशन पर उसने क्या कर दिया होल बना दिया और इस टाइप के सेमी कंडक्टर में तो क्या होगा देखो अब यहां पे क्या बन गया पॉजिटिव चार्ज होल बन गया एंड द एंड द कंडक्टिविटी द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द कंडक्टिविटी इज ड्यू टू इज

पी टाइप का सेमीकंडक्टर कहेंगे इट इज नोन एज पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो जिस कंडक्टर में कंडक्टिविटी पॉजिटिव चार्ज होल के चलने के कारण होती है उसको हम कहते हैं पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। और इलेक्ट्रॉन होल के मूवमेंट का जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रॉन होल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू टू दैट इलेक्ट्रॉन दैट फिल्ड इट इलेक्ट्रॉन होल कहां चलेगा अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा जिस इलेक्ट्रॉन ने उसको फिल किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में चलेगा तो ये एन टाइप और पी टाइप का सेमीकंडक्टर एन टाइप में हमने पेंटावाइलेंट इम्प्योरिटी मिक्स किया एन टाइप में हमने पेंटा वायलेंट इम्प्योरिटी मिक्स किया पी टाइप में हमने ट्राई वायलेंट इम्प्योरिटी मिक्स किया तो ट्राई वायलेंट इम्प्योरिटी के मिक्सिंग के समय क्या हुआ तीन इलेक्ट्रॉन ने क्या किया कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया इम्प्योरिटी के सिलिका या जर्मेनियम के साथ एक वैकेंट प्लेस जो था उसको भरने के लिए दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया तो दूसरे एटम का इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ आया तो उसने उस प्लेस को तो फिल कर दिया लेकिन अपनी जगह पर उसने क्या किया फिर से एक होल बना दिया पॉजिटिव चार्ज होल क्रिएट कर दिया अपनी जगह पर ठीक है और इस पॉजिटिव चार्ज होल के डीलोकलाइजेशन के कारण जो कंडक्टिविटी हुई इसको हम क्या कहेंगे पी टाइप ऑफ सेमी कंडक्टर कहते हैं तो इस टाइप के कंडक्टर को हम क्या कहेंगे पी टाइप का सेमी कंडक्टर कहेंगे अब बात करेंगे हम क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज के बारे में तो प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल शुरू करते हैं पहले थोड़ी सी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को इस लेक्चर में हम लोग कवर कर लेते हैं तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ना है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पढ़ना है उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे अपने लास्ट टॉपिक पर दैट इज पैकिंग बॉइड्स ये सब अभी मैंने छोड़ के रखा है उस पर बात करेंगे उस पर हमें कुछ क्वेश्चन भी करना है तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ द क्रिस्टल पर बात करते हैं पहले बात करेंगे सबसे पहले कंडक्टर के बारे में कंडक्टर्स क्या होते हैं तो जिनका द सॉलिड द सॉलिड विच कंडक्टिविटी रैगिंग बिटवीन टेन टू दर फोर टू टेन टू दैवन द सॉलिड द सॉलिड विच कंडक्टिविटी विच कंडक्टिविटी रैंगिंग मतलब इसके बीच में होती है रैंगिंग मतलब किस रेंज में होती है रैंगिंग बिटवीन टेन टू द पावर फोर टू टेन टू द पावर सेवन टेन टू द पावर फोर टू टेन टू द पावर सेवन ओम इनवर्स मोल इनवर्स ठीक है तो जिनकी कंडक्टिविटी का रेंज ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है ना तो कंडक्टिविटी का रेंज कितना होता है टेन टू दावर फोर टू टेन टू दावर सेवन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स तो उसको हम कहते हैं कंडक्टर तो कंडक्टर में जो कंडक्टिविटी का रेंज है वो कितना है टेन टू दावर फोर टू टेन टू दावर सेवन ओम पर मीट पर मीटर पर ओम पर मीटर ठीक है ये हुआ सॉलिड की बात अब जो मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनकी कंडक्टिविटी 10 टू पावर सेवन ओम पर मीटर होती है यह ध्यान रखेंगे इन केस ऑफ मेटल्स द कंडक्टिविटी इज इन केस ऑफ मेटल्स तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इन केस ऑफ मेटल्स इन केस ऑफ मेटल्स द कंडक्टिविटी द कंडक्टिविटी इज द कंडक्टिविटी इज कंडक्टिविटी इज टेन टू द पावर सेवन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स ओम इनवर्स मीटर इनवर्स के मतलब मैक्सिमम है ना हाइएस्ट तो टेन टू दावर सेवन रहती है मेटल्स की कंडक्टिविटी टेन टू दावर सेवन ओम पर ओम पर मीटर के रेंज में आती है मेटल की कंडक्टिविटी और उसमें सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है तो ये एक अलग से एग्जांपल ध्यान रखेंगे सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ठीक है उसके बाद जब हम बात करेंगे इंसुलेटर की तो इंसुलेटर नॉर्मली इंसुलेटर्स कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं इंसुलेटर हम लगाते है, इसलिए हैं किसी वायर के ऊपर जिससे कि कंडक्टिविटी जिससे हमें करंट का पता ना चले तो इंसुलेटर की जो कंडक्टिविटी रहती है उसकी रैंगिंग कितनी है टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी टेन टू पावर माइनस ट्वेंटी टू टेन टू दी पावर माइनस टेन ओम इनवर्स मीटर इनवर्स इनवर्स मीटर इनवर्स ये किसकी रैंगिंग है इंसुलेटर की अब बात करते हैं सेमी कंडक्टर की तो सेमी कंडक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कंडक्ट ओनली इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट हीट क्या करते हैं कंडक्ट ओनली इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ओनली इलेक्ट्रिसिटी डू नॉट कंडक्ट हीट डू नॉट कंडक्ट हीट डू नॉट कंडक्ट हीट केवल और केवल विद्युत के सुचालक होते हैं उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं सेमीकंडक्टर्स ठीक है अब इनकी कंडक्टिविटी की जो रैंग होगी इट्स कंडक्टिविटी इज रैंग टू दावर माइनस सिक्स टेन टू दावर माइनस सिक्स टू टेन टू दावर फोर माइनस सिक्स टू टेन टू दी पावर फोर ओम पर ओम पर मीटर पर ओम पर मीटर इज द रैंगिंग ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर ठीक है तो ये सेमी कंडक्टर के लिए कंडक्टिविटी की रैंगिंग है ये ध्यान रखेंगे तो तीनों के बारे में ध्यान रखना है कंडक्टर्स में कितना होता है टेन टू पावर फोर टू टेन टू पावर सेवन अगर मेटालिक कंडक्टर है तो वो कितना हो जाएगा टेन टू दावर सेवन अगर इंसुलेटर्स हैं तो उनकी रैंगिंग देखिए कहा एकदम लो जा रही है टेन टू दी पावर माइनस ट्वेंटी टू टेन टू दावर माइनस टेन और अगर सेमी कंडक्टर्स तो है तो टेन टू दावर माइनस सिक्स टेन टू दावर माइनस सिक्स टू दावर फोर के ऑर्डर में रैंगिंग होगी कंडक्टिविटी की अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी सुपर कंडक्टर के बारे में हालांकि आजकल ये हमारे सिलेबस में तो नहीं है लेकिन बात कर लेते हैं सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर सुपर कंडक्टर को कहते हैं अति चालक तो छोटे से पॉइंट्स मुझे आपको इसके बारे में बताना है तो सुपर कंडक्टर को क्या कहते हैं अति चालक सुपर कंडक्टर में क्या खास बात होती है इट्स रेजिस्टेंस इज जीरो रेजिस्टेंस इज इसका प्रतिरोध शून्य होता है इट्स रेजिस्टेंस इज जेरोपर कंडक्टर क्या होते हैं जिनका रेजिस्टेंस जीरो होता है किसने डिस्कवर किया था सुपर कंडक्टर को तो सुपर कंडक्टर वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय वॉज फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय फर्स्ट टाइम डिस्कवर्ड बाय कॉमरलिंग ओंस तो सुपर कंडक्टर की डिस्कवरी कॉमरलिंग ओंस कॉमरलिंग ओन्स ने सुपरकंडक्टर को डिस्कवर किया इन मर्क्यूरी एट फोर केल्विन मर्क्यूरी जो है चार केल्विन टेंपरेचर पर एज अ सुपरकंडक्टर काम करता है और अभी तक हमारे पास कोई भी ऐसा सुपरकंडक्टर नहीं है जो नॉर्मल टेंपरेचर पर एज अ सुपरकंडक्टर काम करता हो ठीक है तो मर्क्यूरी चार कैलविन पर सुपर कंडक्टर के जैसा काम करता है सुपर कंडक्टिविटी की डिस्कवरी कॉमरलिंग ओन्स ने किया यह ध्यान रखना है क्या यूजेज हैं सुपर के तो पावर ट्रांसमिशन पावर को एक जगह से दूसरे जगह तक ले जाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं सुपर कंडक्टर एंड ऑल्सो फॉर द रेल विदाउट रोड्स बिना पटरियों की ट्रेन चलाने में भी सुपर कंडक्टर का यूज होता है अब बिना पटरियों की ट्रेन चलाने का मतलब ये नहीं कि पटरियां रहती नहीं है पटरियां उसमें रहेंगी जब स्पीड स्लो होगी तो वापस से पटरी पर आएगी ठीक है तो रेल विदाउट रोड्स और पावर ट्रांसमिशन और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर यूज़ होता है सुपर कंडक्टर अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट मैकेनिकल प्रॉपर्टीज और इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सॉरी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और उसके बाद फिर हम लोग शुरू करेंगे अपना लास्ट टॉपिक दैट इज पैकिंग एंड वर्ड्स ओके कमांडोज